हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन स्टाइल का स्कार्फ बनाएंगे। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल और सिंपल पैटर्न है और इस स्कार्फ पैटर्न में हम दोनों तरफ बेल्ट बनाते हैं, जिससे ये पहनने के बाद एकदम टाइट रहता है और ये स्कार्फ पूरे सिर को कवर करता है। हम इस स्कार्फ को बड़े या छोटे किसी भी साइज में बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बेल्ट का नाप देखेंगे। तो ये बेल्ट की जो लंबाई है ये 12 इंच के बराबर है। इसके बाद हमने स्टिचेस को बढ़ाना शुरू किया था, तो यहाँ पर अब इस मार्कर से हमने ये जो शेप बनाया है इसकी लंबाई लगभग 6 इंच है। अब इसके बाद हमने दो कलर्स में, ऑरेंज और ग्रीन कलर में पैटर्न बनाया था, तो इस पैटर्न की जो लंबाई है ये लगभग 7 इंच है। इसमें हमने 18 रोज बनाई थी। अब इसके बाद पैटर्न से बेल्ट तक की जो लेंथ है ये लगभग 6 इंच के बराबर है। अब इसके बाद हम ये जो दूसरी साइड का बेल्ट है इसकी लंबाई देखेंगे, ये भी 12 इंच के बराबर है। यदि हम बेल्ट से इस पूरे स्कार्फ की लंबाई मेजर करें तो ये एक मार्कर से इस दूसरे मार्कर तक इस पूरे स्कार्फ की ये जो लेंथ है ये 19 इंच के बराबर है। स्कार्फ की चौड़ाई 15 इंच के बराबर है। यहां पर मैंने बेल्ट से टोटल 12 रोज में स्टिचेस बढ़ाई हैं और उसके बाद डिजाइन डाला है। यदि हम छोटे बच्चों का स्कार्फ बना रहे हैं तो हम सिर्फ 8 रोज तक ही स्टिचेस को बढ़ाएंगे और उसके बाद हम कोई भी अपनी पसंद का पैटर्न या डिजाइन डालेंगे और उसी प्रपोर्शन में हम दूसरी तरफ स्टिचेस को घटाएंगे। यदि हमें बड़े साइज का स्कार्फ बनाना है तो हम दोनों तरफ 12 रोज में ही स्टिचेस को बढ़ाएंगे और ये जो हमने बीच में पैटर्न डाला है ऑरेंज और ग्रीन कलर में, हमने टोटल 18 रोज बनाई हैं, तो हम इनकी जगह 20 या 22 रोज में इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं, तो हमारा बड़ा स्कार्फ तैयार हो जाएगा। स्कार्फ बनाने के लिए मैंने 4 प्लाई में ग्रीन कलर का धागा लिया है। यहाँ पर ऊन पतला है इसलिए मैंने डबल धागा लिया है। हम इसकी जगह सिंगल धागा भी ले सकते हैं। स्कार्फ के लिए सबसे पहले हमें बेल्ट बनाना है। बेल्ट के लिए हम ग्रीन धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम 5 चेन बनाएंगे, तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस स्कार्फ पैटर्न को हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच में बना रहे हैं और हाफ डबल क्रोशे के लिए हम हमेशा 2 चेन बनाते हैं, तो अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब हम हुक से तीसरी चेन में दूसरा हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो ये 1, 2, 3 इस तीसरी चेन में। हम दूसरा हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, 2 चेन मिलाकर पहला हाफ डबल क्रोशे बन गया है। अब हम इसी तरह से बाकी की चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे, तो इस तरह से हमारे टोटल 6 हाफ डबल क्रोशे बन जाएंगे। ये 4, 5 और ये सबसे लास्ट की चेन में 6 हाफ डबल क्रोशे। तो यहाँ पर इस पहली रो में 6 हाफ डबल क्रोशे बन गए हैं। अब इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2 और टर्न करेंगे। सेकेंड रो में भी हम हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन मिलाकर पहला हाफ डबल क्रोशे बन गया है। अब हम बाकी की स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। इस स्कार्फ के पैटर्न में हमें
बेल्ट के लिए टोटल 12 इंच की लंबाई तक इसी पैटर्न को रिपीट करना है। ये पांचवा हाफ डबल क्रोशे और ये छठवा हाफ डबल क्रोशे, ये इस तरह से। तो अब मैं 12 इंच की लंबाई तक इस बेल्ट को पूरा कर लेती हूँ। मैंने 12 इंच की लंबाई तक इस बेल्ट को पूरा कर लिया है और यहाँ पर मैंने टोटल 23 रोज बनाई हैं और हर रो में 6 हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। अब यहाँ पर हम इसके बाद स्टिचेस को बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। इस रो के बाद हमारे स्कार्फ के मेन डिज़ाइन की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर हम स्टिचेस बढ़ाएंगे, तो इसके लिए अब हम दूसरी स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। पहली स्टिच में हमने 1 हाफ डबल क्रोशे बना लिया है, अब हम इसके बाद दूसरी स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, तीसरी स्टिच में भी 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, चौथी स्टिच में भी 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, पांचवी स्टिच में भी 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और छठवीं स्टिच में हम 1 ही हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इस पैटर्न में हम पहली और आखिरी स्टिच में 1-1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और बीच की स्टिचेस में हम स्टिचेस को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये पहली और आखिरी स्टिच में 1-1 हाफ डबल क्रोशे और इस तरह से ये टोटल मिलाकर 10 हाफ डबल क्रोशे स्टिच इस रो में बने हैं। अब इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। इस स्कार्फ के पैटर्न में हमें स्टिचेस को प्रपोर्शन में बढ़ाना है, तो अब हम यहाँ पर इस रो में स्टिचेस को नहीं बढ़ाएंगे, हम यहाँ पर हर स्टिच में 1-1 हाफ डबल क्रोशे ही बनाएंगे। यदि हम हर रो में स्टिचेस को बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा स्कार्फ बन जाएगा, तो यहाँ पर हम इसीलिए अल्टरनेट रोज में स्टिचेस को बढ़ा रहे हैं। तो अब हम इस रो में हर स्टिच में 1-1 हाफ डबल क्रोशे ही बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे इस रो में टोटल 10 हाफ डबल क्रोशे स्टिच बन जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ये 10 हाफ डबल क्रोशे। इसके बाद अब हम 2 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब इस रो में हमें स्टिचेस को बढ़ाना है, तो हम यहाँ पर ये 2 चेन मिलाकर पहला हाफ डबल क्रोशे बन गया है। अब हम दूसरी स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, यहाँ पर हम स्टिचेस को बढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद हम तीसरी स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इस रो में हमें 2-1-2-1 के पैटर्न को बनाना है। अब इसके बाद की स्टिच में हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और इसकी अगली स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे। अब यहाँ पर सबसे लास्ट की स्टिच में हम 1 ही हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस स्कार्फ पैटर्न में हम पहली और आखिरी स्टिच में 1-1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और बीच की स्टिचेस में हम स्टिचेस को बढ़ाएंगे, क्योंकि यदि हमने पहली और आखिरी स्टिच में भी स्टिचेस को बढ़ाया तो हमारा स्कार्फ का जो शेप है ये बहुत बड़ा बन जाएगा। अब इसके बाद हम इसकी अगली रो के लिए 2 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब यहाँ पर इस रो में हम हर स्टिच में 1-1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अल्टरनेट रोज में ही स्टिचेस को बढ़ा रहे हैं। मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और इसमें हमने हर स्टिच में 1-1 हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं, तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 हाफ डबल क्रोशे। अब इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब इसके बाद की रो में हमें अब स्टिचेस को बढ़ाना है, तो ये 2 चेन मिलाकर पहला हाफ डबल क्रोशे हमने बना लिया है। अब हम इसके बाद ये जो दूसरी स्टिच है इसमें 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस रो में भी हम 2-1-2-1 के पैटर्न को
रिपीट करेंगे। तो ये दूसरी स्टिच में दो हाफ डबल क्रोशे, तीसरी स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे। अब हम इसके बाद की स्टिच में भी दो हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 2-1-2-1 के पैटर्न को इस रो में हम बनाएंगे। अब ये एक हाफ डबल क्रोशे, मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और इस रो में मैंने सबसे लास्ट में ये 2-1 बनाने के बाद आखिरी स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे बनाया है, क्योंकि इस पैटर्न में हम पहली और आखिरी स्टिच में एक एक ही हाफ डबल क्रोशे बनाते हैं। इन स्टिचेस में हम स्टिचेस को बढ़ाते नहीं हैं। इसके बाद अब हम दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हम ये दो चेन मिलाकर पहला हाफ डबल क्रोशे बन गया है। हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ इस रो में हमें स्टिचेस बढ़ाने नहीं हैं, हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और इसमें मैंने 20 हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं। अब इसके बाद की रो में हम स्टिचेस बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब यहाँ पर ये दो चेन मिलाकर पहला हाफ डबल क्रोशे बन गया है। अब हम दूसरी स्टिच में दो हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये एक और ये दो। अब इसके बाद हम अगली स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हम 2-1-2-1 इस पैटर्न को बनाएंगे। अगली रो के लिए हम सबसे पहले दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब यहाँ इस रो में हमें स्टिचेस को बढ़ाना नहीं है, ये दो चेन मिलाकर पहला हाफ डबल क्रोशे बन गया है। हम यहाँ हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस पैटर्न में हम अल्टरनेट रोज में स्टिचेस को बढ़ा रहे हैं और बाकी की रोज को हम प्लेन ही रख रहे हैं। हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हम लास्ट में दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब यहाँ इस रो में हम स्टिचेस को बढ़ाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर अब 2-1 की जगह 2-1-1 इस पैटर्न को बनाएंगे। ये दो चेन मिलाकर पहला हाफ डबल क्रोशे बन गया है। अब हम इसकी अगली स्टिच में दो हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये दो, और इसके बाद की दो स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये एक और ये दो। तो यहाँ पर हम 2-1-1 इस पैटर्न को बना रहे हैं। इसके पहले के राउंड्स में हमने 2-1-2-1 इस पैटर्न को बनाया है। अब हम यहाँ पर 2-1-1-2-1-1 इस पैटर्न को बनाएंगे। हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है और इसमें हमने 2-1-1 के पैटर्न को बनाया है। इसके बाद सबसे लास्ट में हम दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब इसकी अगली रो में हमें हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाना है। ये हमारी प्लेन रो है, हम यहाँ स्टिचेस को बढ़ाएंगे नहीं, हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ सबसे लास्ट में हम दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब यहाँ इस रो में हमें स्टिचेस को बढ़ाना है। तो ये पहली स्टिच में दो चेन बनाने के बाद अब हम इसकी अगली स्टिच में दो हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हमें 2-1-1-2-1-1 इस पैटर्न को बनाना है। अब यहाँ अगली दो स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे, इसके बाद की स्टिच में फिर से दो हाफ डबल क्रोशे और इसके बाद की दो स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे। यहाँ पर हम 2-1-1-2-1-1 इस पैटर्न को बना रहे हैं। हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है और इसमें मैंने 2-1-1-2-1-1 इस पैटर्न को बनाया है। अब इसके बाद हम सबसे लास्ट में दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे।
अब यहाँ इस नेक्स्ट रो को हमें प्लेन रखना है। इस रो में हम ये दो चेन बनाने के बाद हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर हम स्टिचेस को बढ़ाएंगे नहीं, इस पैटर्न में हम एक रो में स्टिचेस को बढ़ा रहे हैं और एक रो को हम प्लेन रख रहे हैं। तो इस रो में हम हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने टोटल 50 हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। इस रो में हमने हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाया है। ये हमारी प्लेन रो है। अब इसके बाद हम ग्रीन धागे को काट लेंगे और इसकी जगह हम ऑरेंज धागे को जोड़ लेंगे। यहाँ पर भी मैंने डबल धागा लिया है। हमने जैसा ग्रीन धागा लिया है हमें उसी तरह से ऑरेंज धागा लेना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ऑरेंज धागे से दो चेन बनाएंगे, एक और ये दो, और टर्न करेंगे। अब इस रो से हम स्टिचेस को बढ़ाना बंद करेंगे। अब यहाँ पर हमें आने वाली सभी रोज में हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाना है। हम अब इस स्कार्फ पैटर्न में हर दो रोज के बाद कलर चेंज करेंगे और हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने टोटल 50 हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे। अब इसके बाद हम सबसे लास्ट में दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब इस रो में हम ऑरेंज धागे से ही हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। हमें ये रो भी ऑरेंज धागे से ही बनानी है, हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे। मैंने ऑरेंज धागे से इस दूसरी रो को कंप्लीट कर लिया है और इसमें भी मैंने टोटल 50 हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं। अब यहाँ पर हम ये दो रोज ऑरेंज से बनाने के बाद इस ऑरेंज धागे को काट लेंगे, क्योंकि इसके बाद की जो दो रोज हैं हमें उसे ग्रीन धागे से बनाना है। तो अब हम ग्रीन धागे को जोड़ लेंगे और अब हम दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब दो चेन बनाने के बाद हमें इस रो को और इसकी अगली रो को, यानी टोटल दो रोज को हमें ग्रीन धागे से बनाना है और इन दो रोज में हमें हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाना है। यहाँ पर अब हम हर दो रोज के बाद कलर चेंज करेंगे, तो यहाँ अभी हम ग्रीन धागे से बनाएंगे। मैंने ग्रीन धागे से दोनों रोज को कंप्लीट कर लिया है और अब हम धागा बदलेंगे। तो यहाँ पर हम ग्रीन धागे को काट लेंगे और इसी स्टिच में हम ऑरेंज धागे को जोड़ लेंगे। अब हम ऑरेंज धागे से दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। इस स्कार्फ के डिजाइन में हमें इस ऑरेंज रो से 7 इंच की लंबाई तक अल्टरनेट धागा बदलते हुए दो रोज ऑरेंज धागे से, दो रोज हमें ग्रीन धागे से, इस तरह से 7 इंच की लंबाई तक हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाना है। हम इस स्कार्फ के डिज़ाइन में इस ऑरेंज रो से 7 इंच की लंबाई तक अपनी चॉइस से कोई भी पैटर्न या डिज़ाइन सिंगल या डबल कलर में बना सकते हैं। मैंने इस डबल कलर के पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने टोटल 18 रोज बनाई हैं और इस पैटर्न की जो लंबाई है ये 7 इंचेस है। हम सिर के मेजरमेंट्स के हिसाब से इस लंबाई को कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑरेंज धागे से ही स्टार्ट किया था और ऑरेंज धागे से ही फिनिश किया है। अब यहाँ हमारा दो कलर का पैटर्न पूरा होने के बाद हम धागा बदलेंगे।
तो यहाँ पर हम ग्रीन धागे को जोड़ लेंगे। अब इसके बाद हमें स्कार्फ के डिज़ाइन के लिए स्टिचेस को घटाना है। जैसा हमने इस स्कार्फ को स्टार्ट करते समय ये जो शेप बनाया है, हमें इसी शेप को ग्रीन धागे से बनाना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले दो चेन बनाएंगे। अब इस रो में हम हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इस रो में हमें स्टिचेस घटाने नहीं हैं, हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाना है। हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है और इसमें मैंने हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाया है और यहाँ पर ये टोटल 50 हाफ डबल क्रोशे स्टिच बने हैं। अब हम इसके बाद की रो से स्टिचेस को घटाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब यहाँ इस रो से हम स्टिचेस को घटाना शुरू करेंगे। इस स्कार्फ पैटर्न में हमने जिस प्रपोर्शन में स्टिचेस को बढ़ाया है, हम उसी प्रपोर्शन में इस दूसरी साइड में स्टिचेस को घटाएंगे। यहाँ पर ये जैसा शेप आया है, हमें इसी तरह से इस शेप को इस दूसरी साइड में बनाना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेकेंड लास्ट रो में हमने 211 के पैटर्न को बनाया है। तो अब हम यहाँ पर इस दूसरी साइड में 211 के पैटर्न से ही स्टिचेस को घटाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये दो चेन बनाने के बाद अब हम स्टिचेस को घटाएंगे। तो इसके लिए हम धागे को हुक पर लेंगे और ये जो अगली दो स्टिचेस हैं इनमें हम स्टिचेस को घटाएंगे। तो हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन हम इसे पूरा नहीं बनाएंगे। अब हम इस तीसरी स्टिच में से फिर से धागे को निकालेंगे। अब हमारे क्रोशे के हुक पर टोटल 4 लूप्स हैं। अब हम इन चारों लूप्स में से निकालते हुए इसे एक लूप बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने दो हाफ डबल क्रोशे स्टिच का एक स्टिच बना लिया। यहाँ पर हमने स्टिचेस को घटा लिया। अब हम अगली दो स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हमें स्टिचेस को 211 के पैटर्न से घटाना है। जैसा हमने यहाँ पर 211 के पैटर्न से बढ़ाया था, यहाँ पर हमें 211 के पैटर्न से घटाना है। अब हम फिर से इसकी बात की जो दो स्टिचेस हैं इन्हें एक स्टिच बना लेंगे। तो धागे को हुक पर लेंगे और अब हम ये इस स्टिच में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन हम इसे पूरा नहीं बनाएंगे, आधा ही बनाएंगे। अब हम इसकी अगली स्टिच में भी इस तरह से धागे को निकालेंगे और इन चारों लूप्स में से निकालते हुए दो हाफ डबल क्रोशे का एक स्टिच बना लेंगे। अब हम अगली दो स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने फिर से दो स्टिचेस का एक स्टिच बना लिया। हमें 211 के पैटर्न को ही इस रो में बनाना है। अब इसके बाद फिर से धागे को हुक पर लेंगे और अगली दो स्टिचेस को एक स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों हाफ डबल क्रोशे आधे बनाएंगे और लास्ट में ये जो चार लूप्स हैं इनमें से निकालते हुए एक लूप बना लेंगे। तो यहाँ पर दो स्टिचेस का एक स्टिच बन गया। अब अगली दो स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। हमें इस पूरी रो को इसी पैटर्न से कंप्लीट करना है। मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने स्टिचेस को घटा लिया है। यहाँ पर ये 211 इस पैटर्न को बनाया है। अब हम सबसे लास्ट में दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब यहाँ इसके बाद की रो में हम हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इस रो में हमें स्टिचेस को घटाना नहीं है। इस स्कार्फ के पैटर्न में हम अल्टरनेट रोज में स्टिचेस को बढ़ाते या घटाते हैं। तो यहाँ पर हम एक रो में स्टिचेस को घटाएंगे और इसकी अगली रो को प्लेन रखेंगे, हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे। मैंने इस प्लेन रो को कंप्लीट कर लिया है
और इसमें मैंने हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाया है। अब यहाँ सबसे लास्ट में हम दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब इस रो में हम स्टिचेस को घटाएंगे, यहाँ पर भी हम 211 इस पैटर्न को बनाएंगे, हम इसी पैटर्न में स्टिचेस को घटाएंगे। सबसे पहले हम ये जो दूसरी और तीसरी स्टिच है इनमें हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन हम इन्हें पूरा नहीं बनाएंगे, आधा ही बनाएंगे। अब हमारे क्रोशे के हुक पर चार लूप्स हैं, इन लूप्स में से निकालते हुए एक लूप बना लेंगे, तो ये दो स्टिच का एक स्टिच बन गया। अब हम इसके बाद की ये जो दो स्टिचेस हैं इनमें एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो यहाँ पर हम फिर से 211 के पैटर्न से ही स्टिचेस को घटा रहे हैं। मैंने इस रो में स्टिचेस को घटा लिया है और यहाँ पर सबसे लास्ट में अब हम दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। हमें उसी प्रपोर्शन में स्टिचेस को घटाना है जिस प्रपोर्शन में हमने इस दूसरी साइड में स्टिचेस को बढ़ाया है। अब यहाँ पर ये हमारी प्लेन रो है, इस रो में हमें हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है, इसमें हम कोई भी स्टिच नहीं घटाएंगे। तो अब हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर सबसे लास्ट में दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब यहाँ इस रो में हम स्टिचेस को घटाएंगे, तो यहाँ दो चेन बनाने के बाद अब हम 2121 इस पैटर्न में स्टिचेस को घटाएंगे। तो अब हम ये जो दूसरी और तीसरी स्टिच है इन्हें हम घटाकर एक स्टिच बना लेंगे। तो इसके लिए अब हम इस दूसरी स्टिच में हाफ डबल क्रोशे आधा ही बनाएंगे, तीसरी स्टिच में भी हाफ डबल क्रोशे आधा ही बनाएंगे। हमारे क्रोशे के ऊपर चार लूप्स हैं, अब हम इन चार लूप्स को एक लूप बना लेंगे। तो यहाँ पर ये दो स्टिचेस का एक स्टिच बन गया। अब इसकी अगली स्टिच में हम एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब फिर से हम 2121 इस पैटर्न में स्टिचेस को घटाएंगे। तो यहाँ पर अब फिर से अगली दो स्टिचेस को मिलाकर एक स्टिच बनाएंगे और इसकी अगली स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हम उसी प्रपोर्शन में स्टिचेस को घटाएंगे जैसा हमने स्टिचेस को बढ़ाया है। तो अब हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ सबसे लास्ट में हम दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब यहाँ पर ये हमारी प्लेन रो है, तो हम इस रो में अब हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, इसमें हम कोई भी स्टिच नहीं घटाएंगे। हमारी प्लेन रो कंप्लीट हो गई है। अब हम दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब यहाँ इस रो में हम फिर से स्टिचेस को घटाएंगे, तो यहाँ पर ये दो चेन बनाने के बाद अब हम इस दूसरी और तीसरी स्टिच में हाफ डबल क्रोशे आधे ही बनाएंगे और हम ये दो स्टिचेस का एक स्टिच बनाएंगे। इस रो में हमें 2121 इस पैटर्न को बनाना है। अब यहाँ इसकी अगली स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे, फिर से अगली दो स्टिचेस को हम एक स्टिच बनाएंगे और इसके बाद की स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे। हमें इस रो में 2121 इस पैटर्न को बनाना है। मैंने इस रो में 2121 इस पैटर्न से स्टिचेस को घटा लिया है। अब यहाँ पर हम सबसे लास्ट में दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। यहाँ पर स्टिचेस घटाने से अब स्कार्फ का शेप आने लगा है। अब यहाँ पर ये हमारी प्लेन रो है, इस रो में हम हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, यहाँ पर हम स्टिचेस नहीं घटाएंगे। हमारी प्लेन रो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ सबसे लास्ट में हम दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब यहाँ इस रो में हम फिर से 2121 इस पैटर्न में स्टिचेस को घटाएंगे, तो यहाँ दो चेन बनाने के बाद अब हम इस दूसरी और तीसरी स्टिच में दो स्टिच का एक स्टिच बनाएंगे। अब इसकी अगली स्टिच में हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे।
अब हम फिर से अगली दो स्टिचेस को एक स्टिच बनाएंगे और इसकी अगली स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। मैंने इस रो में स्टिचेस घटा लिए हैं। अब यहाँ पर हम दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब हमारी ये प्लेन रो है तो यहाँ पर अब हम हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इस रो में हमने 10 स्टिचेस बनाई हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब यहाँ दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब यहाँ इस रो में हम ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इसमें एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और ये जो बीच के स्टिचेस हैं इन्हें हम घटाएंगे। तो यहाँ पर ये दूसरी और तीसरी स्टिच को हम घटाते हुए एक स्टिच बनाएंगे। अब हम फिर से इसकी अगली दो स्टिचेस को घटाते हुए एक स्टिच बना लेंगे। अब ये फिर से हम तीसरी बार दो स्टिचेस को घटाते हुए एक स्टिच बनाएंगे और अब फिर से यहाँ चौथी बार हम दो स्टिचेस को घटाते हुए एक स्टिच बना लेंगे। अब इसके बाद हम ये जो लास्ट स्टिच है इसमें हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर ये पहली और आखिरी स्टिच में हमने एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाया है और बीच की स्टिचेस में हमने स्टिचेस को घटाया है। तो यहाँ पर ये टोटल 6 हाफ डबल क्रोशे स्टिच बन गए हैं। अब यहाँ पर हम अब ये हमारी प्लेन रो है। इस रो में हम हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस रो के बाद से हमें स्कार्फ का बेल्ट बनाना है। स्कार्फ की इस दूसरी साइड में हमने 6 हाफ डबल क्रोशे का बेल्ट बनाया है। अब हम इस साइड में भी 6 हाफ डबल क्रोशे का बेल्ट 12 इंच की लंबाई पूरी होने तक बनाएंगे। मैंने 12 इंच की लंबाई का बेल्ट कंप्लीट कर लिया है और इसमें मैंने टोटल 23 रोज बनाई हैं। हमारा इंडियन स्टाइल का ये स्कार्फ तैयार है और ये बहुत अच्छा बना है। यहाँ पर हम इस स्कार्फ के पैटर्न से किसी भी साइज का स्कार्फ बना सकते हैं।